हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अभिलेखागार और संग्रहालय की हमारी वीडियो का तीसरा भाग यानी कि थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहली लास्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन वाइज होता है, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हैं और हमें पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, भारत में अभिलेखागार संस्था की प्रगति की चर्चा कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर जो अभिलेखागार है, जो अभिलेखागार की संस्था है, उसकी प्रगति के बारे में बताना, यानी कि उसका जो विकास है कैसा, उसकी प्रगति कैसी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय देते हैं। तो आपका परिचय या फिर आप थोड़ा बहुत जो भी आप बताना चाहते हो आप बता सकते हैं। ठीक है, अभिलेखागार अपने आप में ही एक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर किसी भी देश विशेष की ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को संजोकर रखा जाता है। ऐसा करने से उस देश के इतिहास को एक आधार प्रदान होता है। अभिलेखागारों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के चलते एक देश की जानकारी, उसका इतिहास, उसका महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने आता है। अभिलेखागारों की प्रगति के निम्नलिखित पक्ष इस प्रकार हैं। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, अभिलेखागार का जन्म। राष्ट्रीय अभिलेखागार का जन्म वर्ष 1860 यानी कि 1860 में उस समय हुआ जब सिविल ऑडिटर सेडमैन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया कि कार्यालयों में दैनिक प्रयोग में आने वाले कागजात के ढेर लग गए हैं जिनका निपटान किया जाना, और साथ ही मूल्यवान अभिलेखों को ग्रैंड सेंटर आर्काइव में भेजा जाना जरूरी है। हालांकि वर्ष 1886 में उस समय तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो सका, जब तक कि एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई के प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट को भारत सरकार के विदेश विभाग के अभिलेखों की जांच करने का कार्य नहीं सौंप दिया गया। कन्फ्यूज मत होना बच्चों, बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। मतलब ये समझ लीजिए, आपका पूरा जो है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा अभिलेख की जो प्रगति थी। इसका जन्म कब हुआ था? 1860 में। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो हमारे कागजात थे यानी कि हमारे दैनिक कार्यालयों के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती, जो पेपर यूज़ किए जाते थे, उनके लिए एक सिविल ऑडिटर सैंडमैन ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी और इस बात पर बल दिया था कि जो हमारे जो पेपर्स है, जो हमारा पेपर वर्क है, उसके लिए जो पेपर इकट्ठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और उनका निपटान करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने कहा था कि इनको आर्काइव्स में भेजा जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ कि हमारे जितने भी पेपर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा रिकॉर्ड होता है, मैं आधुनिक तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। हम क्या करते हैं, क्लाउड्स के अंदर भेज देते हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं उसके अंदर, वो एक पिन के अंदर मान लीजिए या फिर सैटेलाइट के अंदर मान लीजिए, वो सारा डाटा जो होता है वो हमारे पास सेव होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम किसी भी तरीके से अगर हमारे अभिलेखों को हानि पहुँचती है, अभिलेखागारों को हानि पहुँचती है, जैसे कि मानवीय हानि हो चाहे तो प्राकृतिक हानि हो, मानवीय हानियों के अंदर आग आ सकती है, ठीक है, और अन्य कारण आ सकते हैं, और प्राकृतिक के अंदर बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, तो उसकी वजह से हमारे इतने ज़्यादा पुराने और इतने ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें जो है वो नष्ट हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों का डाटा बनाकर क्लाउड्स में डाल देते हैं, यानी कि हमारी सैटेलाइट के अंदर डाल सकते हैं, जो कि वो सेफ रहें। तो एक तरीके से मोटा मोटा वो यही बताना चाहते हैं कि उन चीज़ों का निपटाना करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट बम्बई रिकॉर्ड ऑफिस में किए गए कार्यों के लिए एक अच्छे अभिलेख अधिकारी के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जोरदार आग्रह किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन संबंधी सभी अभिलेखों को केंद्रीय भंडार में भेज दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप 11 मार्च 1891 को इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का जन्म हुआ, जो कि कलकत्ता की इंपीरियल सेक्रेटरियल बिल्डिंग में स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अभिलेखागार के आरंभिक प्रभावी अधिकारी। अगर हमसे किसी भी चीज़ का
जो है किसी, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो या फिर वो किसी भी चीज़ का नाम हो, तो उसके अंदर जो लोग जुड़े हैं उन लोगों का नाम लिखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हिस्ट्री के अंदर। इस चीज़ को भूलिएगा मत। तो फिर हम क्या करेंगे, अब जो आरंभिक प्रभावी अधिकारी हैं उनके बारे में देखेंगे। आरंभिक अधिकारी या कहें प्रथम अधिकारी प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट को बनाया गया। उनका मुख्य काम सभी विभागों के अभिलेखों की जांच करना, अंतरण करना, व्यवस्थित करना और सूची बनाना तथा विभिन्न विभागीय ग्रंथालय के स्थान पर एक केंद्रीय ग्रंथालय की व्यवस्था करना था। G.W. फॉरेस्ट के बाद अपने समय के विद्वान और अभिलेखों के रखवालों के रूप में प्रसिद्ध SC हिल, CR वेंसन, NL हॉलवर्ड, E डेनिसन रोस, AS क्लोफील्ड आदि आदि के कार्यकाल के दैनिक दौरान इम्पीरियल रिकॉर्ड्स ने खूब प्रगति की। ठीक है, आप इन सब के जो नाम है वो एकदम अपने जहन के अंदर उतार लीजिए, एकदम आपको ये याद होने चाहिए। अगर आप दो तीन भी लिख देते हैं इसके अंदर से तो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रारंभिक अभिलेखागार का स्थान तथा नाम परिवर्तन। वर्ष 1911 में राष्ट्रीय राजधानी कोलकाता को नई दिल्ली स्थानांतरित कर देने के बाद वर्ष 1926 में इम्पीरियल रिकॉर्ड्स मौजूदा भवन भी स्थानांतरित हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इम्पीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का नाम बदलकर राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया और संगठन प्रमुख का नाम कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स के स्थान पर अभिलेखागार निदेशक कर दिया गया। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज लिखी हुई है, ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। आज़ादी के पश्चात अभिलेखागारों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया। अब ये देखिए आपके हमारे जो शिक्षा के लिए या फिर हमारे जो जन सामान्य के जो चीज़ें ज़रूरी थी जानना, यानी कि हमारे इतिहास को अगर इंडियंस ही नहीं जानेंगे, हम भारतीय ही नहीं जानेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो हमारे अभिलेख हैं, हमारे लिखित दस्तावेज है, उनको पढ़ने के लिए, जन सामान्य के पढ़ने के लिए कहें तो, यानी कि हम आम लोगों के पढ़ने के लिए खोल दिया गया। AM अब्दुल अली के बाद वर्ष 1949 तक पदभार ग्रहण करने वाले डॉक्टर SN सेन ने इम्पीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट या कहे राष्ट्रीय अभिलेखागार की सभी गतिविधियों को एक नया रूप दिया। वर्ष 1939 में पहली बार अभिलेखों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया गया या फिर उपलब्ध किया गया और वर्ष 1947 में वर्ष 1902 से पहले के सभी अभिलेखों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। संरक्षण संबंधी समस्याओं को देखने के लिए संरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और अभिलेख पालक की स्थापना। अब ये मत सोचना कि अभिलेख पालक क्या होता है, ये कोई पालक वालक नहीं है। अभिलेख पालक का मतलब होता है अभिलेख की देखभाल के लिए कोई व्यक्ति। ठीक है, अभिलेख पालक का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। संरक्षण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1940 में एक संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई जो कि डॉक्टर सेन की दूरदर्शी सोच का परिणाम था। वर्ष 1941 में अभिलेखों के रखरखाव संबंधी अभिलेख पालक नामक संरक्षण आरंभ किया गया और वर्ष 1944 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा पोस्ट वॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्काइव्स ऑफिसेस इन इंडिया नामक योजना प्रारंभ की गई। वर्ष 1947 में इंडियन आर्काइव्स नामक विभागीय पत्रिका अस्तित्व में आई जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत सामग्री संबंधी अनुसंधान पेपर अभिलेख संरक्षण अभिलेख प्रबंध रेफ्रोग्राफिक्स अभिलेखों संबंधी जागरूकता और अभिलेखों के सभी पहलुओं से संबंधित सामग्री होती थी। आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष। इस प्रकार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने देश की आज़ादी के साथ ही देश के सभी भागों में अभिलेखों से संबंधित क्षेत्रों में अधिक जोश के साथ प्रेरणादायी भूमिका निभाने के लिए अपनी प्रगति यात्रा आरंभ कर दी थी। जब से लेकर आज तक राष्ट्रीय अभिलेखागार ने
लोग अभिलेखों को प्राप्त करने, निजी कागजात को प्राप्त करने, ग्रंथालय संबंधी सामग्रियों को प्राप्त करने, अभिलेख प्रबंधन, शोध और संदर्भ प्रकाशन, प्रशिक्षण संरक्षण, रेफरोग्राफी, समुदाय कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालयों का विस्तार करने जैसे अनेक कार्य करके अपने बहुमुखी विकास का परिचय दिया है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है तथा अभिलेख केंद्र जयपुर, पुंडुचेरी और भुवनेश्वर में है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका आंसर होता है वैसा ही आपका निष्कर्ष होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये निष्कर्ष लिखोगे, आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग अपना निष्कर्ष लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो आप लाइक करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।